दोस्तों एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे है, मैं आपको नाम नहीं बताऊँगा कहाँ पे है। हमारे साथ प्रतीक भाई भी हैं। तो अभी आज ऐसा ब्लॉग मनाना है, मेरा तीसरा ब्लॉग है आ रहा है, तीसरा नहीं पांचवा ब्लॉग है। और मैं क्यों पानी भर दूँ अभी सुबह सुबह पानी भरने का बोल, एक तो इतनी देर से उठते है 10-10 बजे और क्या पानी के लिए, पानी वहाँ पे नहीं है भाई। क्यों नहीं है इधर वो नया बोतल आया हो लो। पानी सुबह सुबह 5 पुण्य कमा रहे, वो आपको नहीं दिख रहा है पानी पिलाने का, गिर रहा है पानी। जब वो पराने पराने मत भरो, दिल से भरो, दिल से। सब आलसी हो गए, उसको ठीक से टाइट करना। वो बोतल ले ना, एक तो हिंदी में फाफा पड़ता है और फिर भी हिंदी में ब्लॉग बनाना पड़ता है, क्योंकि अभी अपन को स्टेट लेवल पे वायरल है ना। स्टेट लेवल पे नहीं, क्या कंट्री लेवल पे, नेशनल लेवल पे अपन को वायरल होने का, इसलिए अपन को हिंदी में ब्लॉग बनाता है। बाकी हमको कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में कभी कभी फाफा पड़ता है, फाफा। चलो ना, कितनी देर लगे दोस्तों, तो कंटिन्यू ब्लॉग देखिए और देखिए प्रतीक भाई का पूरा दिन आज क्या क्या हरकतें करते हैं। ये प्रतीक भाई का रूम है, यहाँ पे कोई भी आता है तो यहाँ पे कोड ही लिखा हुआ है, तो आप कुछ भी पेमेंट करना चाहते हो प्रतीक भाई को, यहाँ रूम की सुविधा लेते हैं तो वो कर सकते हो। ऐसा है, यहाँ पे कबाट है पूरी कपड़े की, अगर आपको कोई भी कपड़ा अच्छा लगा तो उसका कितना भाड़ा है कमेंट करके बताओ, भाड़ा हम बता देंगे। कमेंट करके बताओ भाड़ा, में पढ़ोगे आप? हाँ सर पढ़ूंगा, मेरे पास और काम ही क्या। वो भी सही है। और यहाँ पर भी है नीचे कपड़ा, देखिए ये सब नया कपड़ा होता है ना, नया। और शूज रखते हो, शूज आप? शूज का दुकान है, चलो आपको मैं शूज दिखाता हूँ। ये देखो एक हमने कल ही लिए, ये कौन सी कंपनी का शूज है पता नहीं, ये कोई बोलता है एस करके, कोई स्क्रैचेस है वो। हाँ स्क्रैचेस, वाह रे वाह। ये दो जोड़ी इधर है, ये दो जोड़ी इधर पड़े हैं, देखो ये सब मतलब यूज किया हुआ होता है ना। अरे ये कहीं तक इतने ढंग से यूज नहीं किया, इतने गंदे हो गए। इधर आओ, वो ये देखो, ये एक है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, और नीचे और तीन है, और कहीं पर पड़ा है, और एक ये रहा। बोलो क्या है, मतलब ये सब क्या है? ये मैं सोच रहा था पहले शूज की दुकान करने का, मैंने सोचा पहले मैं खुद का शौक पूरा कर लेता हूँ, बाद में दुकान करूंगा, अभी तो इतना है और एक आध दो लेना है आपके सपोर्ट से। आपके सपोर्ट से मतलब कौन सा, ये आज पहन के है ना, पहन लो। वो तो मेरे लिए लिया था ना, ऐसा बोल रहे थे ना आप? वो मैं हर टाइम ऐसा ही बोलता हूँ। किसी और का बहाना निकाल के ले लेने का, समझे आप? सही है। और क्या बताने लायक हमारे व्यूअर को है आपके पास? अभी तो कुछ नहीं, हमारे नरेश भाई अच्छी मेहनत कर रहे हैं, सुबह सुबह उठ के ये सब कैमरा लेके घूमना कोई छोटी बात है नहीं, हमको तो देखने में मजा आता है। तो जो बंदा मेहनत कर रहा है उसको सपोर्ट कीजिए आप लोग, और उसको क्या आप सपोर्ट करते हो तो उसको प्रोत्साहन मिलता है कि लोग पब्लिक मेरे को चाहते हैं तो मैं और भी आगे मेहनत करूं, और सपोर्ट की वजह से वो बहुत आगे बढ़ते हैं, वो आगे बढ़ते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, आप आगे बढ़ते हैं। तो बस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू। चलो दोस्तों पूरा ब्लॉग कैसे दोगे, वायरल करेगा मारी सके क्या रस है? सपनों आवी तो आज मने પોપટ ભાઈ જોઈ લેજો એલા ઈના બેન નો બર્થડે જો પ્રતિક ને સગાઈ થઈ ગઈ કે નથી થઈ ગઈ લાવ જો કે પેટીએમ વોલ્ટ ક્યા હુઆ પ્રતિક ભાઈ કી સગાઈ હો ગઈ હે તો ઉસ ખુશી મે આજ હમ એક બેન કે લિયે બહોત અચ્છી સી પ્લાનિંગ કર રહે હે તો અભી હમ જા રહે હે ઉસ સાઈડ ઉસકો મિલને કે લિયે ચલિયે Thank you.
काका लाओ तो त्रण प्लेट બસ મજામાં કેમ છો બસ જો ઇડલી ખાઈએ શું કહો છો બાડુ જો મજામાં હું બોલે दोस्तों अभी पोपटभाई ने स्पॉन्सर किया है इडली का। पोपटभाई सबको इडली खिला रहे हैं। ओ भूखड़ भाई पोपटभाई ने खिलाया है। पोपटभाई आपने खिलाया? मेरी इडली सबसे प्रिय होती है तो मेरी इडली और मैगी। आपकी इडली कब से हो गई? वो देश की इडली, जनता की इडली। मुझे पसंद है तो मेरी हुई ना भाई। इडली खाने के लिए मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ। वाह, कहीं पर भी मिल जाती है। कहीं पर जाने का नहीं होता, हर सीट में मिलती है। आप लोग बातें करो, मेरे को खाना है। तो दोस्तों अभी हम आ गए मशीन लेने के लिए पोपट भाई के साथ। यहाँ पे अभी दादी को मशीन दिलाना है और यहाँ पे दादी की मशीन ले रही है, आप देख सकते हो। पोपट भाई ने कैमरा पकड़ा है हमारा। बराबर दादी है, दादी मशीन संतोष तो सेमा संतोष था इसे तुमने तो दादी को भी संतोष नहीं हो रहा है वो मशीन में। अभी और मशीन दिखाते हम, आप आइए मेरे साथ देखिए। चलिए पूरा दुकान दिखाओ मेरे सभी व्यूअर को। और मेरे को अच्छा लगा आज मेरा कैमरा पोपट भाई ने पकड़ा है। बहुत अच्छा। ये सब मशीन है, अभी पहले के जमाने का मशीन है। और दूसरी बात तो बता दो, हमारा एक प्रोग्राम होने वाला है। अप्रैल के बीच में बोलूंगा, फिक्स तारीख में नहीं दूंगा क्योंकि पोगड़े का फिक्स नहीं होता है। वो तारीख देता है फिर जाता है, इसलिए अभी फिक्स नहीं है। पर अप्रैल के बीच में एक हमारा प्रोग्राम होने वाला है सिलाई मशीन का। जो सूरत में ऐसी महिला है जिसको सिलाई मशीन की ज़रूरत है, जो विधवा है, वो मतलब उसके आगे पीछे कोई नहीं, ऐसे व्यक्ति को, ऐसी महिला को हम सिलाई मशीन देंगे। ऐसा प्रोग्राम आगे भी हमने किया है, 10-12 महीना पहले किया हुआ है। वहाँ पे उसमें हमने 150 मशीन दी सूरत में इस महिला को। बरोबर, जिसके कोरोना में जिसका हस्बैंड डेथ हो गए है। और ऐसे इस बार हम जो प्रोग्राम करने वाले हैं दोस्तों अप्रैल के बीच में, उसके मशीन के साथ साथ हम दुकान डोनेट भी करेंगे। जो आपने देखा होगा हमारे काफ़ी सारे वीडियो में, हम दुकान देते हैं, इस तरह से हम दुकान भी देंगे उसको बीच में। तो चलिए पूरा ब्लॉग देखे। और पोपट भाई बीच बीच में बोल रहे तो उसको भी मैं बोल देता हूँ, बीच बीच में मत बोलो मेरे सामने। तो चलिए दोस्तों, अभी हमारा एक प्रोग्राम होने वाला है अप्रैल के बीच में, 10 तारीख से लेकर 20 तारीख तक। और उच्च बीच में हमारी एक तारीख भी डिसाइड होगी, तो आपको भी सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल जाएगा। और एक साथ काफी महिलाओं को, ऐसे जो लोग हैं जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, जिसको मेहनत करनी है, वैसी महिलाओं को, भाइयों को, बहनों को हम मशीन भी डोनेट करेंगे। उसके साथ साथ हम दुकान को भी डोनेशन में, उसके साथ साथ हम डोनेशन में दुकान भी देंगे। जिसने भी भाइयों ने सपोर्ट किया है, जो हमारे बाहर के लोग, जितने गुजराती, जितने भी लोग मतलब सपोर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक साथ हम सभी चीज़ नहीं दिखा सकते। तो हम जो प्रोग्राम करते हैं तो वहाँ पे सबको एक साथ में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे दुकान का और सिलाई मशीन का। उसका भी तारीख थोड़े दिनों में आपको, आप तक पहुँच जाएगा। तो इस एपिसोड को पूरा देखिए और शेयर कीजिए। वो मेरा ब्लॉग देखोगे तो ही आपको पता चलेगा मेरे भी। चलिए दोस्तों, थैंक यू। ओ भाई बॉबिन फिट करो, गुजराती में नहीं हिंदी में। अभी मैं बॉबिन फिट कर रहा हूँ। काफी अक्सर लोग पूछते हैं कि आप इतने सारे मशीन क्यों डोनेशन में, मतलब क्यों मशीन इतना सारा रखते। तो आपको एक बात बता देता हूँ जो आज तक किसी को शायद पता है, जो मेरे रिश्तेदार है उसको ही सबको पता है कि मैंने 3 साल तक मशीन चलाया। और इस मशीन के माध्यम से मैं हर महीने 12-15 हज़ार रुपया कमाता था। और घर की कुछ ऐसी कंडीशन थी तो इसके लिए हमने अपने कॉलेज के दिनों में, कॉलेज खत्म होने के बाद हम मशीन ही चलाते थे। और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि जिस मुकाम पे अभी हम काम कर रहे हैं उसके साथ साथ हम किसी की इससे सहारा रूप भी हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। हमने अच्छी तरह से, हमारे नरेश भाई ने भी 3 साल तक मशीन चलाया, ऐसा नहीं है। बट देखा है, इन दिनों में हमने जो काम करते थे, हमें पता है कि कैसे इस मशीन में मेहनत करनी पड़ती है और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सूरत में तो आप जानते ही हो कि ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी का काम होता है। तो उस कॉलेज के टाइम में नरेश भाई ने भी 2 साल तक मशीन चलाया, फिर हमने भी 3 साल तक मशीन चलाया। तो बहुत अच्छा लगता है कि आज वही मशीन के माध्यम से किसी और के मदद कर सकते हैं, आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से। तो चलिए अभी मशीन
दादी माँ के लिए कंप्लीट हो चुका है। क्या कर रहे हो? देखो सेठ की तरह बैठे हो, चाय पी रहे हो, शर्म नहीं आती? एक बार भी बोला चलो नरेश भाई चाय पीते हैं। जो इंसान काम करता है ना मैं उसको कभी रोकता नहीं। मैं तो नल्ला बैठा हूँ, वो आप कर रहे हो वो भी आपको मैं नल्ला कर, देश की प्रगति रुक जाएगी इसमें। आप एक आदमी जो काम कर रहा है उसको मैं रोकूंगा तो एक आदमी का जो सपोर्ट था देश को आगे लाने में वहाँ रुक जाए, रुक जाए तो उसकी वजह से क्या पता आप कल के अब्दुल कलाम हो, कल के आप सरदार पटेल हो, गांधी बापू हो, आपकी वजह से पूरा देश रुक गया। मैंने अकेला अकेला था। पर आपको पता है चाय पीने वाला कहाँ तक पहुँच जाते? जो चाय बेचते और चाय पीते वो कहाँ तक पहुँच जाते? इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप अकेला अकेला पीते, हमको नहीं पिलाते। पर मैंने आपको उससे भी ऊंचा दर्जा दिया, फिर भी आपको वहाँ पर ही मगज जा रहा है। मैंने आपको अब्दुल कलाम बोला, प्रेसिडेंट बनाने का सोचा आपको, सरदार पटेल लोखंडी पुरुष बनाने का सोचा, जिसकी आज सबसे बड़ी स्टैचू है हमारे गुजरात में, वर्ल्ड की सबसे बड़ी। हम कब जा रहे हैं वहाँ पर? स्टैचू ऑफ यूनिटी जाना है ना। चलो वीडियो में देखा गए भी वो, ठीक है नहीं गए हो? मशीन बहुत सारी चाय बना, ऐसा सीधे सीधे बोल दो ना, और एक कप पीना ऐसा पी दो ना। 22 वो सब मेरे ब्लॉग में होगा। आगे बढ़ रहे हो, मेरी जलन हो रही है। ऐसा नहीं, आपको नहीं मिलेगा ऐसा, मुझे जलन हो रही है। आप आगे बढ़ रहे हो ना तो कोई बात नहीं, उसमें क्या दिक्कत है भाई? हम किसी का प्रगति नहीं देख सकते, हमें सिर्फ हमारा ग्रोथ ही देख सकते, हम दूसरों का ग्रोथ नहीं देख सकते। अभी यहाँ पर सिर्फ मेरा ग्रोथ होगा, आप सब मेरे नीचे रहोगे, ठीक है? बराबर, तो सही है, कोई बात नहीं, उसमें क्या दिक्कत है? आपको वीडियो नहीं मिलेगा। कौन सा वीडियो? ये वाला मिलेगा मुझे, कैसे निकलना मुझे आता है। थैंक यू सो मच, मेहरबानी घड़ी मेहरबानी। चलो ध्यान रखो तुम्हारो ना, निकरो बनी ना आया, कौन कौन निकरा आया हमारा, एक ना बदले, चलो ध्यान रखो ना दादी। हां हां दोस्तों, हमने पैर को 1 बजे खाना लेने को भेजा था, अभी 5:30 बजे है और अभी खाना लेके आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हो? मैं पता कहाँ खाना लेने गया था। कहाँ गए थे? बरोड़ा मैकडॉनल्ड्स, पता आपको? वहाँ लेने गया। तो भी 5:30 नहीं होता ना, यहाँ से 40 किलोमीटर ही होते बरोड़ा। 1 किलोमीटर जाने का, 1 किलोमीटर आने का, चलिए 1 किलोमीटर क्या इतना कौन करता है लेट? बोलो टोपी निकालो, फुर्सत में इनको बोलो, क्या बोलो इनके लिए सस्ती टोपी दो, पहले ये काम करो तभी खाना मिले। बोलो क्या बोल रहे थे प्रतीक भाई? ये लाए हो आप, देखो बर्गर। ये आदमी को इतनी भूख लगी ना, फिर नहीं आता ना तो कुछ कर बैठता। देखो इसकी नज़र तो देखो किस तरह से देख रहा है खाने को, भूख लगी है तो भूख लगी है बपोरे का ही नहीं खाते। डाइट पर है क्या पोपट भाई? किस पे भाई? 2-3 दिन पहले क्या स्टोरी में क्या आता था? सब डाइट आ रहे थे, अभी देखो उसका खाना। नमस्कार दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं एक आनंद के बगल के गांव में जा रहे हैं, वहां पे एक आदमी है, उनको हम दुकान के लिए फोन आ रहा था हमको 10-12 दिन से, तो अभी उसके वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे सर्वे करेंगे कैसा है, जो सही लगेगा तो उसको हम दुकान देंगे। 3-4 दिन से फोन आ रहे हैं, हमारे साथ पीछे पोपट भाई है, साइड में प्रतीक भाई गाड़ी चला रहे हैं, तो आप ब्लॉग देखते रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ जाके हम सर्वे करते हैं, नीडी होगा तो हम उसको दुकान देंगे डेफिनेटली। और अभी मेरा कंटिन्यू ब्लॉग देखिए, अभी रात हो चुकी है, मतलब वैसे तो 6:30-7 बज गए हैं,
और आप देखिए आगे। तो दोस्तों अभी हम गांव में पहुंचने वाले हैं, वैसे तो गांव आ गया है देख सकते हो। अभी मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, ये देखो ये है उकड़ा, इसको उकड़ा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? उकड़ा, उकड़ा हमारे गुजराती में उसको उकड़ा बोलते हैं। क्या प्रतीक भाई? उकड़ा उसमें क्या होता है, जो गाय का मल जो रहता है ना, जिन्हें गुजराती में छाण के भाई गोबर, इन हिंदी में गोबर बोलते हैं, गोबर बोलते हैं उसको। मेरे दिमाग से वर्ड निकल गया था। तो उसको इकट्ठा करके एक जगह पे रखा जाता है, उसका पूरा ढेर बनाया जाता है, फिर उसका बायोगैस में यूज होता है। कि वो अच्छा इनिशिएटिव है, और ये गांव में तो आजकल से नहीं बहुत सालों से हो रहा है। अब के वैज्ञानिकों ने उसको बायोगैस बनाया, वरना हमारे बाप दादा जो थे ना भाई, वो उसका सालों से यूज कर रहे हैं। दूसरी बात एक, ये सबसे पहले तो खेत में डालने के लिए होता है ज्यादातर। हाँ, ये खेत इससे में फर्टिलिटी बढ़ती है खेत। हाँ, तो उसमें क्या खाद उत्पादन बढ़ता है। हाँ, और वो कोई भी पाक अच्छा पकता है। सही बात है, सही बात। हाँ, और जो अपने घर में चूल्हा होता है ना गांव में, उसमें खाना बनाने में भी यूज होता है, जिससे ये जो क्या बोलते है लकड़ा होता है ना, उसको कम यूज होता है, जिससे ये वृक्षों का बचाव होता है। दोस्तों अभी हम ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। भाई के घर गए थे, उसको दुकान देना था, तो उसका आधा वीडियो बनाया, आधा कल बनाएंगे। तो अभी ये ब्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं, और हम अभी एक जगह पे आए हैं काम से, तो अभी ब्लॉग नहीं हो पाएगा, और रात के 9 भी बज गए हैं। तो अभी मैं यहाँ पे ब्लॉग का एंड करता हूँ, और मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि आज पोपट पे मेरा कैमरा पकड़ रहे हैं, मुझे अच्छा फील होता है। चलिए बाय बाय, गुड नाइट और ब्लॉग देखते रहिए मेरा। थैंक यू।